Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So class 3, here we are with our page number 3, textbook page number 3. Now let's start reading. Today we are going to read about the rivers of Pakistan. Aaj hum padhenge apne rivers ke bare mein Pakistan ke. A river is a fresh stream of flowing water. River kise kehte hain? Fresh stream ko kehte hain, chalte hue pani ko. Fresh hota hai pani river ka, uski speciality kya hai? Wo fresh hota hai, salty nahi hota. से क्या कहते हैं? रिवर. द मेन रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ द रिवर इंडस. पाकिस्तान का जो मेन रिवर है वो कौन सा है? रिवर इंडस. रिवर इंडस. देयर आर फोर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस. कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस की? फोर. हमने अपनी वोकैबुलरी में पढ़ा था ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं, ठीक है. नाउ अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ बिगर वन. ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? छोटे रिवर को कहते हैं जो कि किस में जाके किस में फ्लो करता है? बिगर वन में, ठीक है, यानी बड़े रिवर में. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर आर. कितने ट्रिब्यूटरीज हैं? हमने पढ़ा था फोर ट्रिब्यूटरीज हैं. अब हम उनके नेम्स पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं. दे आर सतलुज, झेलम, चनाब एंड रावी. ये फोर ट्रिब्यूटरीज हैं. द इंडस रिवर इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया. इंडस रिवर जो है वो लंबे रिवर्स में से एक रिवर है, ठीक है, साउथ एशिया के, और ये बहुत लंबा रिवर है, ठीक है. लोकेट द इंडस रिवर ऑन द गिवन मैप. आपने बताना है कि यहाँ पे रिवर इंडस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है. ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन जा रही है, ये रिवर की है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस लिखा हुआ है, ठीक है. ये रिवर इंडस है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है रिवर इंडस है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिवर इंडस है, ठीक है. इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से जितने ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इसके साइड बाई साइड आपको इस मैप में दी हुई हैं. द इंडस रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान. इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में कहाँ से फ्लो करना स्टार्ट होता है? गिलगित बल्तिस्तान से. इट फ्लोज साउथवर्ड्स टूवर्ड्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध. ये कहाँ से होता हुआ आता है? पंजाब और सिंध से आता है. फाइनली इट एंटर्स इनटू द अरेबियन सी. और फिर ये जाके उसके बाद बिलाखिर ये कहाँ एंटर करता है? अरेबियन सी में. द इंडस रिवर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इंडस रिवर जो है वो मेजर यानी एक बहुत मेजर सोर्स है साफ अच्छे पानी की, फ्रेश वाटर की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अस विद फ्रेश वाटर सप्लाई एंड फूड. हिस्टोरिकली ऑल सिविलाइजेशन स्टार्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. रिवर्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें साफ पानी फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी फूड के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी वेजिटेबल्स और हमारी क्रॉप्स के लिए भी फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ वी आर गोइंग टू आर वर्कबुक पेज नंबर 1, ठीक है. लेबल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑन द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो. यहाँ पे आपको एक मैप नज़र आ रहा है, आपने इसको सॉल्व करना है, इसको लेबल करना है, ठीक है. आपने जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस अपने टेक्स्ट बुक पर देखना है, आपके वहाँ मैप गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेबल करना है, कलर करना है, ठीक है. नाउ व्हाट द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. अब हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के नेम्स को राइट करना है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं. तो हम फर्स्ट पे राइट करेंगे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है. नंबर वन इज नॉर्थ अमेरिका, नंबर सेकंड इज साउथ अमेरिका, एंड नंबर थर्ड इज अफ्रीका, नंबर फोर्थ इज यूरोप, नंबर फिफ्थ इज एशिया, ठीक है. नंबर सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, एंड नंबर सेवन इज एंटार्कटिका, ठीक है. नाउ ओशंस, ओशंस कितने हैं हमारे? फाइव ओशंस हैं. अब हम फाइव ओशंस को यहाँ पे राइट करेंगे. फर्स्ट वन इज एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन. एंड नंबर टू इज इंडियन ओशन, एंड नंबर थर्ड इज आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन है. उसके बाद नंबर फोर्थ वन कौन सा है हमारा? एंटार्कटिक ओशन. ये हमारे फोर हो गए, एंटार्कटिक ओशन. एंड नंबर फिफ्थ इज पैसिफिक ओशन. ये हमारे फाइव ओशन हो गए, और ये हमारे
7 कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, ठीक है। ओके, हमने पहले अपने 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम अपना वर्कबुक पेज नंबर 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ है, कलर ईच प्रोविंस विद अ डिफरेंट कलर, आपने कलर करना है हर प्रोविंस को, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के साथ। दिस कलर इज़ यूज फॉर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है आपने, ग्रीन, ठीक है। दिस कलर इज़ यूज फॉर पंजाब, और पंजाब के लिए आपने कौन सा कलर यूज़ करना है, पिंक। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कलर्स करने हैं, एंड सिंध के लिए येलो और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ऑरेंज, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।